हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज़ेब्रा क्लासेस में। आज मैं नियुक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ। ये मेरा पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने बताया था, अब पार्ट टू के बारे में डिस्कशन थोड़ा करने जा रहा हूँ, क्योंकि 100+ क्वेश्चन है नियुक्ति का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो बिना लेट किए हुए, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी? ये बनी है दोस्तों एम जयश्री व्यास। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनरा बैंक का एमडी एवं सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो केनरा बैंक का एमडी एवं सीईओ, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन है एमडी और सीईओ केनरा बैंक का, किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो आर ए शंकर नारायण। नेक्स्ट, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स ईपीएच का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार पस्सी। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग महासंघ सीआईआई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विक्रम किर्लोस्कर को, ए नंबर। नेक्स्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लेडीज से संबंधित है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, महिलाओं से जो भी क्वेश्चन होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि 100 साल के बाद ये नियुक्ति किया गया है। इतिहास में यह पद पाने वाली वह पहली महिला है। कौन है? नजमा अख्तर। नेक्स्ट, विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेविड मलपस को, नेक्स्ट, ट्विटर इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्विटर से बार बार न्यूज़ में, सब जगह चैनल्स में इसका चर्चा होते रहता है। तो किसे बनाया? मनीष महेश्वरी को। नेक्स्ट, एनबीसी राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? एनबीसी का, तो शिव दास मीना। तो इसमें एक लॉजिक भी है, क्योंकि भवन का निर्माण कौन करेगा? दास लोग करेगा, ये इसका ट्रिक है। तो शिव दास मीना ये भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट, किसने हाल ही में डीजीसीए के पूर्णकालिक महानिदेशक का पदभार संभाला है? DGCA महानिदेशक का पूर्वकालीन, तो किसने? अरुण कुमार। नेक्स्ट, फैंटेसी 11 का ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को बनाया गया है? मुरली कार्तिक को। क्यों? फैंटेसी 11 एक गेमिंग स्टार्टअप है, इसके लिए मुरली कार्तिक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, रेडबस का ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को बनाया गया है? रेडबस का, ये तो आप जान ही रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट, यूरोपीय केंद्रीय बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यूरोप का जो है, क्रिस्टिन लगार्ड को। क्रिस्टिन
लगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो यूरोपीय संसद है उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है डेविड मारिया सासोली, यूरोपीय संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय SICC का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों, SICC का न्यायाधीश, अंडरलाइंस किसे किया गया, न्यायमूर्ति AK सिकरी, न्यायमूर्ति AK सिकरी, डी नंबर आंसर इसका। नेक्स्ट, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी बता रहा है, तो बताने का रीज़न है बहुत सारा क्वेश्चन है इसीलिए इसको जल्दी कर रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक का MD और CFO नियुक्त किया गया है? तो किसे, अंशुला कांत। देखिए इसमें एक क्या है, वर्ल्ड बैंक, जब भी है एक ट्रिक है, वर्ल्ड बैंक से हम लोग का बहुत सारा झंझट हो जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, सुलह करना पड़ता है। तो सुलह से आप याद रखिएगा अंशुला, तो वर्ल्ड बैंक का किसे, अंशुला। वर्ल्ड बैंक का कोई भी काम सुलझाने के लिए अब क्या करना पड़ता है, सुलह करना पड़ता है, सुलझ जाता है तो सुलह से सुलझ जाता है। नेक्स्ट, BSNL का चेयरमैन और CMD किसे नियुक्त किया गया है? BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड का जो चेयरमैन है किसे नियुक्त किया गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रवीण कुमार पुरवार को, किसको, प्रवीण कुमार पुरवार को। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव, इस बार यादव जी को दिया गया है इसका पदभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को फिर से WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? WHO आप जान ही रहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है जानिए, जनेवा में। किसे नियुक्त किया गया WHO का, तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जो उसका मुख्य है वो कौन है केंद्रीय, तो सुधीर भार्गव, बी नंबर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय कोष की, इंटरनेशनल कोष का, तो कौन बना है, गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लोकपाल किसे मनोनीत किया गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पिनाकी चंद्र घोष को। ये क्या है, वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, मतलब रिटायर्ड जज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ट्रांसजेंडर मतलब जिसको गे बोलते हैं, सॉरी, किसे नियुक्त किया गया है, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर जो है ये है गौरी सावंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और MD कौन है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, इसे हर लोग यूज़ करते हैं और करंट अफेयर्स का एक रूल है जिसे सारे लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर उसी के बारे में ही पूछा जाता है। तो फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और MD कौन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बता दिया जाए कौन है, अजीत मोहन। नेक्स्ट, चीन में भारत के राजदूत कौन है? ये तो और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एशिया से जितना भी रिलेटेड हम लोग कंट्री है उसके बारे में आपको जानना ही जाना है, और ख़ासकर राजदूत, उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कौन है, विक्रम मिश्री। नेक्स्ट, सशक्त सीमा बल SSB का महानिदेशक कौन है? अभी चेंज हुआ है हाल ही में, तो कौन है इसके महानिदेशक SSB के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डिफेंस का अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चर्चित है इसीलिए।
इसका जो महानिदेशक है तो सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक कौन है? यह है कुमार राजेश चंद्र, कुमार राजेश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये फिर से रिपीट हो गया, फिर बता दिया जाए, फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और MD कौन है? तो आप जान ही रहे, फेसबुक इंडिया का जो है अजीत मोहन, अजीत मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परमाणु अनुसंधान केंद्र बोल रहा था, अजीत कुमार मोहंती। कौन है? अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट, LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एम आर कुमार को। नेक्स्ट, किस भारतीय को यूनिवर्सिटी पीस द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? किसे प्रदान किया गया है? वेंकैया नायडू, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, जान ही रहे आप, इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अहमद अल फहाद अल सबाह को पुनः एशियाई ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया, वे किस देश से हैं? तो किस देश से है? वो कुवैत से हैं। क्यों? आप देखिए, समिति का मुख्यालय कुवैत सिटी में ही स्थित है, और समिति जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? कुवैत में ही स्थित है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का, तो ये किसे नियुक्त किया है? भगवान लाल सहानी। देखो, इसमें एक और ट्रिक है, जब भी पिछड़ा वर्ग आए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, तो उसका जो सहारा होता है वो भगवान के थ्रू हो जाता है, ये ट्रिक है, तो भगवान लाल सहानी। नेक्स्ट, किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? किस भारतीय को? किस भारतीय को? तो ये किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के अगले सैन्य अभियान महानिदेशक यानी DGMO डायरेक्टर जनरल डिफेंस ऑपरेशन कौन होंगे? भारतीय सेना के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिफेंस से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछ ही सकता है, तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय निर्माण तकनीक वर्ष घोषित किया है, टेक्निकल घोषित किया है, किस वर्ष को? तो ये घोषित किया गया अप्रैल 2019 से 2020 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? ये गोविंद प्रसाद शर्मा, गोविंद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बद्री नारायण शर्मा। नेक्स्ट, मणिपुर का ग्रीन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको हम बोले जितना भी एशिया से रिलेटेड है, कि जितना भी कंट्री है जो भारत से सटा हुआ है या जो एशिया में आता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। कौन है ये? वेलेंटिना एलांगबम, एलांगबम। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिला से रिलेटेड है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, महिला से जो भी क्वेश्चन होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, शालिजा धामी। नेक्स्ट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? पावर ग्रिड, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पावर, तो एक कांदी कुप्पा श्रीकांत। नेक्स्ट, पहली आदिवासी महिला कमर्शियल पायलट कौन है? पहली आदिवासी महिला कमर्शियल पायलट कौन है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, महिला से जो भी क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो कौन है? अनुप्रिया मधुमिता लाखरा। ये कहाँ की रहने वाली है? ये उड़ीसा की रहने वाली है, उड़ीसा की रहने वाली है। नेक्स्ट, भारत के रक्षा सचिव कौन है?
भारत के रक्षा सचिव कौन है? राजीव गौबा। तो हम लोग का जो डिफेंस का जो सेव करने का जो सिस्टम किसको दिया गया है? गौबा जी को। नेक्स्ट, देश का नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट सॉरी, भारत के रक्षा सचिव कौन है? ये है अजय कुमार, अजय कुमार। नेक्स्ट है, देश का नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये है राजीव गौबा को, कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया प्रमुख यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना गया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है। किसे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्रिस्टलानी जॉर्जीएवा को। नेक्स्ट, विश्व निर्वाचन निकाय संघ AWEB का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील अरोड़ा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट, उपहार प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए अधिकतम सीमा क्या है जो उन्हें विदेशी अंशदान यानी विनियम अधिनियम FCRA 2011 के नए संशोधन के अनुसार सरकार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है? कितना है रुपये? 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट, BSF सीमा सुरक्षा बल के 25वें महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक कुमार जोहरी, VK जोहरी को महानिदेशक, 25वां, इसका याद रखिएगा पॉइंट 25। नेक्स्ट, BCCI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे गांगुली साहब को, सौरभ गांगुली, पूर्व कप्तान। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार कौन है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिन्हा, PK सिन्हा। नेक्स्ट, UIDAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आप ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि SSC ही हर एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है, इसीलिए ये एग्ज़ाम भी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसको क्या है? ब्रजराज शर्मा। तो ये देखिए, SSC से एक ट्रिक है, SSC हर एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है, तो कौन करेगा? जो इस पर राज करेगा वही ना, तो ब्रजराज शर्मा, ये ट्रिक हुआ इसका याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अनूप सिंह को। थैंक यू दोस्तों, इसका पहला पार्ट मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप नहीं देखे तो देख लीजिए। नियुक्ति से एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में कौन क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। अगर मेरे समझाना आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।